हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही फेमस अरबियन डिश चिकन खफसा। ये डिश पूरे मिडल ईस्ट में बहुत ही पॉपुलर है। मेरे घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जैसे खफसा बनता है, उसी तरीके का ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना करें और परफेक्टली बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खफसा घर में ही बना सकें, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने 3 कप भर के लॉन्ग ग्रेन इंडियन सेला बासमती राइस ले लिया है। सबसे पहले चावल को वॉश करेंगे, तो मैं इसे 3-4 बार अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लूंगी। मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसे कवर लगा दूंगी और 30 मिनट के लिए सोख होने के लिए छोड़ दूंगी। अब चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक बड़ा हेवी बॉटम वाला पैन हमें लेना है। गैस ऑन करके पैन को गरम कर लेंगे। पैन गरम होने पर हम इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गरम होने पर हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके डाल दिया है मैंने। प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे। तो देखिए, प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। अब देखिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट पक चुकी है अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें रफली चॉप्ड टोमेटो डाल देंगे। 1 मीडियम साइज के टमाटर है ये। साथ ही साथ मैं इसमें 2 चिली स्प्लिट करके डाल दूंगी। फिर इसमें 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डालूंगी। ये केचप नहीं है, ये टोमेटो पेस्ट है। ये टोमेटो पेस्ट मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इससे खबसे में एक टैंगी टेस्ट और बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें सारे खड़े मसाले डालूंगी। देखिए, इसमें मैंने 1 तेज़पत्ता, 5 से 6 छोटी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले लिया है। इन सबको मैं मसालों में डाल दूंगी और अच्छे से मिलाकर फिर से कुछ 1 मिनट तक भून लूंगी। अब देखिए, मसाले पक चुके हैं। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। मैंने 1 किलो चिकन के थाई पीसेस लिया है। आप होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को हम बाकी मसालों के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए, चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1/2 छोटा चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर, जिसमें मैंने छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी को सेम प्रोपोर्शन में पाउडर बनाकर डाला है। इसके साथ मैं डाल दूंगी 1/2 छोटा चम्मच जायफल पाउडर। मसालों को चिकन के साथ मिलाकर फिर से 2 से 3 मिनट तक
अच्छे से भून लेंगे। मार्केट में रेडीमेड खबसा मसाला आसानी से मिलता है, पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से घर में मिलने वाले मसालों से इसे बना पाएं। तो चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसमें 2 ड्राई लेमन डाल दूंगी। अगर आपको ड्राई लेमन ना मिले तो फ्रेश लेमन को धूप में सुखाकर घर में ही बना सकते हैं। इसके साथ मैं डालूंगी चिकन स्टॉक, ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। इसके बदले आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, बस उतना ही जितना चिकन के लिए चाहिए होगा। इन सबको मिलाकर फिर से 2 मिनट तक भून लूंगी। तो चिकन को हमने भून लिया है, अब मैं इसमें करीबन 1 लीटर पानी ऐड करूंगी चिकन को पकाने के लिए। अब देखिए इसमें एक अच्छी तरह से उबाल आ गई है, तो अब मैं इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक चिकन को पकने के लिए छोड़ दूंगी। आंच हमें इस वक्त लो से मीडियम के बीच में रखना है। अब देखिए 15 मिनट बाद मैं इसे खोलकर चेक करूंगी। देखिए चिकन 90% तक पक चुकी है। इसी स्टेज में मैं सभी चिकन पीसेस को ग्रेवी में से उठाकर एक प्लेट में रखती जाऊंगी। ध्यान रखिए सिर्फ चिकन को हमें निकालना है, चिकन के साथ प्याज या ग्रेवी को नहीं उठाएंगे। इस चिकन के साथ हमें क्या करना है वो मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी। पहले चलिए राइस को पकाने की तैयारियां कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है, इसमें राइस कुक करेंगे। इसके लिए हमें इसमें और पानी चाहिए, तो देखिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। पानी को आप थोड़ा समझ कर डालिए अपनी राइस के हिसाब से। अब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। देखिए पहले भी हमने नमक डाला था, अब हमें नमक डालना है राइस के हिसाब से। आप चक्कर नमक को चेक कर सकते हैं। नमक के साथ मैं इसमें 1/2 कप किशमिश ऐड करूंगी, जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए सोक करके रखा था। नमक और किशमिश को ग्रेवी में अच्छे से मिला देना है। अब देखिए ग्रेवी उबल रही है, अब मैं इसमें सोक किया हुआ राइस डाल दूंगी। चावल को ग्रेवी में अच्छे से मिला देंगे और एक उबाल आने देंगे। अब देखिए ग्रेवी अच्छे से उबल रही है, तो अब मैं इसे ढक के बिल्कुल लो आंच में पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब चलिए चिकन को पकाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। चिकन फ्राई करने से पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। इसके लिए इस पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इस ऑयल में हम 8 से 10 बादाम ब्लंच करके हाफ में काट कर डालेंगे, साथ ही साथ 8 से 10 काजू को भी हाफ में काट कर डाल देंगे। इन दोनों को लो आंच में हल्का ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, इसे मैं निकाल कर एक बोल में रख लूँगी। अब इसी पैन में हम चिकन को शैलो फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सभी चिकन पीसेस जो हमने ग्रेवी में से निकाला था उसे इस पैन में डाल देंगे। खबसा बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। यूजुअली इसे ओवन में किया जाता है, पर मैं इसे बिल्कुल घरेलू मेथड से फ्राइंग पैन में ही कर रही हूँ। एक साइड चिकन फ्राई होने पर हम इसे फ्लिप कर देंगे और फिर से दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे इसमें कलर आने के लिए। अब हम इसे फिर से पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा सा एक कलर आया है चिकन में। अब हम चिकन को निकाल कर प्लेट में रखेंगे। देखिए लग रहा है ना ओवन में पका है, कितना अच्छा कलर आया है फ्राइंग पैन में ही।
अब चलिए चावल चेक करते हैं। ढक्कन खोलकर मैं चावल को चेक करूंगी। 20 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। बिल्कुल सॉफ्ट और खिले खिले चावल तैयार हैं। पैन के नीचे तक मैं चावल को हिलाकर दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल ड्राई, पानी इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है। चावल परफेक्टली कुक हो चुके हैं, तो अब गैस ऑफ कर देंगे। अब बारी है इसे सर्व करने की। इसे स्पेशल तरीके से सर्व किया जाता है। पहले प्लेट में चावल परोसेंगे। ऊपर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स तैयार किया था उसे भी अच्छे से सजा देंगे। अब चावल के ऊपर चिकन रखा जाता है। तो लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा खपसा घर में ही तैयार हो गया है। इस राइस को एक स्पेशल चटनी के साथ सर्व किया जाता है जिसे सत्ता कहते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।